हेलो जी, सत श्री अकाल। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਮਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਲਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੌਂਗ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੌਂਗ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੌਂਗ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸੌਂਗ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाब लवे, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाब ला, असा उड़ जाना असा उड़ साउड जाना, साडा चिड़िया दा चंबा। बाबा जी, आपका खत मिला, यूं लगा मेरे घर से कोई आ गया। आपका खत मेरे हाथ में है, ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। छोड़ना नहीं, दो दिन से यहां बारिशें हो रही हैं और मैं घर में बैठी हुई हूं। अपने घर में बारिश में कितना नहाती थी, अम्मा डांटती थी, मुझे और मजा आता था। आसमान की तरफ देखकर कहती थी, अल्लाह साहब और बारिश भेजो। याद है अब्बा जी, एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, आपको मुझे स्कूल छोड़ना था, आपके साइकिल की पहिए की हवा निकल गई थी, वो मैंने निकाली थी। स्कूल नहीं गई और बारिश में नहाती रही। भाई हमेशा मुझसे लड़कर मुझे घर में ले जाता था और मैं रोती हुई आकर आपसे लिपट जाया करती थी। बाबा जी, यहां कोई मुझसे लड़ता ही नहीं है, बहुत खामोशी है। मैं तो आपकी लाडली थी, फिर मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया? अम्मा कैसी, किसको डांटती, चिड़ियों से बातें कौन करता है, बकरियों को चारा कौन डालता है, तुम्हारी पगड़ी में कलफ कौन लगाता है? बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ बाबूजी, लिखा नहीं जा रहा। तुम सब बहुत याद आते, तुम्हारी लाडली। बैठी जंज बुहा मल
जी, नाराज हो? अगर नहीं हो तो फिर अपनी लाडले को खत क्यों नहीं लिखा? बहुत सारी बातें तुम्हें बताना है। अम्मा से कहना अपनी हरी चादर तलाश करना छोड़ दे, वो मैंने चुपके से अपने बक्से में रख ली। जब अम्मा की याद आती है मैं वो चादर सूंघ लेती हूँ और यूं लगता है मैं अम्मा की बाहों में। तुमने जो कलम भाई के पास होने पर उसको दिया था वो भी मैं ले आई। अब भाई कलम ढूंढेगा तो मुझे याद करेगा। तुम्हारी टूटी हुई ऐनक भी अपने साथ ले आई। सारा दिन शीशे जोड़ने की कोशिश करती रहती हूँ और तुम सामने बैठे रहते हो। बाबा जी, इन्हीं बातों से तो मेरा दिन कट जाता है। बाबा जी, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा। तुम, अम्मा, भाई सहन में बैठे बहुत खुश नजर आए। बाबा जी, मगर मैं उदास हो गई। आम के पेड़ पे जो मेरा झूला था ना, वो नजर नहीं आया। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? उसे डलवा दो, मैं भी उसी झूले पर बैठती हूं और कच्चे आम तोड़ के खाने लगती हूं। तुमने अच्छा नहीं किया बाबा जी। तुम्हारी लाडली। आज दी जो है वीडियो कमाल से, मतलब मेरे सामने कोक स्टूडियो वर्गी प्रेजेंटेशन कोई नहीं बना सकता। ए सॉन्ग बहुत बार सुने हैं ऐसे, लेकिन आज जो कमाल हुआ है ना, जो खास करो वो जो नाइन्थ चिट्ठियां जड़ियां सुनाइयां बाबा जी की चिट्ठियां, ऐसे लगता थी मतलब हर कुड़ी इमोशनल हो जाएगी। पेड़ उत्ते चिल्ला है तो उसे क्यों बताया देता मेरा चिल्ला, मैं टूटी हुई ऐनक ले आई हूँ मानी राजा पहन ले आई हूँ। अरे यार इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े बोले ने सच्ची हो गया है मान। बाकी थोड़े पेके चाहे थोड़े अगली गली रहते हो चाहे थोड़े तो दूर रहते हो, उन्होंने दी एक चीज थोड़े लिए बहुत कीमती होती है हर कुड़ी ले ना, मतलब जिन्नी मर्जी उम्र हो जाए। अज भी मम्मा नानी जी नू याद करते ने, कितना उन्होंने गल्ला दसदे ने कि किस तरह नानी जी प्यार करते सी, बहुत करते सी। हर हर बच्चे नू पाप मां प्यो करते, मां अपनी हमेशा होती है ना। जिन्ना मर्जी दूर चले जाओ, जदों मर्जी हो जाए, जिन्नी मर्जी उम्र हो जाए, पर पेखा घर ते अपना होई जांदा। सच्ची बहुत बहुत इमोशनल हो गया जैसे वीडियो देख के। तुहानू किस तरह दा लग्या साडा रिएक्शन सानू नीचे कमेंट्स च जरूर दसना। साडी वीडियो नू लाइक करो, सारे चैनल भी सब्सक्राइब करना है।